हेलो जी, राम राम, हैप्पी दिवाली आप सभी को। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वक्त शाम के 5 बज गए हैं और 2-3 दिन से तो पूरा घर में साफ सफाई चल रहा था और उसके बाद फिर दौड़ भाग था गांव में। गांव पे भी आप देख ही रहे थे कि मेरा बराबर का आना जाना था। गाँव पर भी इस वक्त काम चल रहा है, तो इसी दौड़ भाग में मेरे ब्लॉग नहीं बन रहे थे और जो बने भी थोड़ा बहुत थे तो वो शूट नहीं हो पा रहा, अरे सॉरी, एडिट नहीं हो पा रहे थे कि मैं उसे एडिट कर लूँ। मतलब इतना ज़्यादा काम होता है सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ भी मैनेज करो, वहाँ भी जाके दौड़ भाग करके जाके वहाँ गांव का भी सब मैनेज करो, थकाई आ जाती है। वीडियो मैं बना तो लेती हूँ लेकिन फिर सबसे ज़्यादा जो मुझे समस्या आती है वो आती है एडिटिंग की। अगर वीडियो एडिट हो गया तो भैया अपलोड हो जाएगा, अगर एडिट नहीं हुआ तो वही अपलोड नहीं हो पाता। तो इस वजह से 2-3 दिन से ब्लॉग ही नहीं आया। मतलब इतना बड़ा कमिटमेंट करने के बाद भी नहीं हो पाता है क्योंकि सारी चीज़ें मैं अपना अकेले मैनेज करती हूँ ना, इस वजह से नहीं हो पाता है। फिर भी मैंने छोटे से शॉर्ट वीडियोस आज के लिए डाल दिए हैं। आप सभी को दीपावली का विश कर दिए हैं कि आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सब लोग जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने परिवार के साथ। तो आज भी सुबह से लेकर अभी तक सारा काम ही चल रहा था और मैंने घर की पूरी साफ सफाई सब कंप्लीट कर लिए हैं। अनु और अनु के पापा गांव गए हैं, वहां पे साफ सफाई करेंगे और वहां पे दिया वगैरह सब रख के तब आएंगे। उनको आते आते तो रात होगी, तो अब मैं चल रही हूँ फटाफट से। मैंने किचन की सफाई की थी तो किचन के सारे सामान यहाँ बाहर देखे लिए। यार, सबसे ज़्यादा सामान तो मुझे लगता है ना किचन में ही होता है, तो किचन का सारा सामान जो है बाहर ही मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। अब चल रहे हैं ना फटाफट से, पहले इसको रखते हैं। अभी दूध लेने जाना होगा लेकिन उससे पहले सोच रहे हैं इसको रख दे, उसके बाद चलेंगे दूध लेने। और सोच रहे हैं आज मंदिर पर भी चलते हैं, तो जहाँ दूध लेने जाते हैं ना उसी के जस्ट पास में मंदिर है, तो एक दिया वहाँ पर भी जलाते हुए आएंगे, उसके बाद फिर घर का चलेगा। तो देखो भैया, इतना सारा सामान ये किचन में से हमने सब धुल के इधर सब रख दिए हैं। समस्या ये है ना कि मैंने किचन को अभी बढ़िया से वो नहीं बनवाया ना, इसको डेकोरेट नहीं किया है, इसका टाड़ वगैरह इसमें बना नहीं है और ये सब बनवाने में लगेगा काफ़ी खर्चा। तो ये सब जब बनेगा तब बनेगा, अभी फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। अभी लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हमारा अभी इस घर का लोन है, तो अभी जब तक हमारे घर का लोन कंप्लीट नहीं होता आगे हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें थी वो हुई हैं, अब ये सारी चीज़ें जब हैं, अभी घर में हमें फर्नीचर लेना है, घर में अभी सोफ़ा नहीं है, सोफ़ा लेना है। अगर एक तरह से कहा जाए कि घर को अभी सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जो नहीं है, बस किसी तरीके से हमारा काम चल रहा है तो चल रहा है, जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा खर्चा उनके पढ़ाई में जा रहा है, तो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है। बस हम लोग किसी तरीके से बस मैनेज करके चला रहे हैं कि ये लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लें और उसी में जो हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके चलते आ रहे हैं, मतलब कर रहे हैं घर को भी। पिछले साल हमने छत बनवाए थे क्योंकि छत टपक रहा था, वो छत पर प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था और उस वक्त भी हम विजयदशमी पर भी काम करवाए थे। आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं कि विजयदशमी पर वो छत वगैरह सब हमने कंप्लीट कराए थे और ऊपर एक बाथरूम बनवाए थे ताकि, और ऊपर हमने टीना भी रखवाए थे, यानी सीट रखवाए थे जहाँ कि मैं कभी कभी चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। और इस साल मैंने सारे कमरे में खिड़की लगवाए हैं और जालियाँ लगवाई हैं और फिर रेलिंग नहीं लगा था, जो हमारी बालकोनी में बहुत डर लगता था, एक दिन तो मैं गिरने वाली थी लेकिन बच गए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस था तो वो लगवाए हैं। अब पैसा फिर इकट्ठा करेंगे तो फिर हम सोच रहे हैं किचन को मैनेज करें, क्योंकि किचन में मुझे वीडियो भी बनानी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब बाहर दिखता है तो बहुत ख़राब लगता है और मुझे भी ख़राब लगता है क्योंकि सब पे धूल वगैरह जम जाता है और फिर बार बार साफ करते रहना, यार इतना समय कहाँ हम लोग को मिलता है। या तो हम केवल वीडियो बनाएं या तो फिर घर को मैनेज करें, दोनों नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और आज के दिन देखिए ना, हमारे यहाँ ये सूरन की सब्ज़ी बनती है, तो जो सूरन की सब्ज़ी बनती है ना उस सूरन को हमने देखिए काट के हल्दी और नमक डाल के इसे थोड़ा धूप में हम दिखा दिए थे, तो ये छन्नी वाले बर्तन में रखे थे ताकि इसमें से जो पानी निकलता है ना वो सब निकल जाए टपक के, तो इसकी जब सब्ज़ी बनाएंगे ना तो ये गर नहीं काटेगा।
चलो भैया अभी शाम हो गया है, चूँकि 5 के ऊपर हो रहा है तो मैं रखती हूँ यहाँ पे पहले 4 बनने के लिए। तो यहाँ मैं मुझे ही बस केवल चाय पीना रहता है और कोई चाय नहीं पीता है। आज हमारा दूध वाला भी नहीं आया, चूँकि हो सकता है वो दीपावली मना रहे हों तो हमारे दूध वाले नहीं आए, तो सिर्फ मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। ये थोड़े से दूध मैंने बचा के रखे थे, तो अभी शाम को तो हम जाएंगे दूध लेने, लेकिन अभी इसका रख देते हैं। इधर चाय भी बनते रहता है और फिर इधर हम फटाफट से किचन में सारा सामान को ला कर रखते हैं। तो भैया बुढ़े बालों से तो हमारा कोई काम नहीं होने वाला है, तो हम लपेटते हैं और नीचे लकी पेपर हम पूरी तैयार कर रही है। और मेरी मदद करेगा शिवम। तो भाई देखो शिवम नाश कर दिया, ये देखिए इसने पूरा डब्बा जो है कैसे पकड़े थे, ठीक से पकड़ना था ना, ये देखो मेरा अमर गिरा दिया जो है, अब बीन भी रहा है, अब तुम फिर इसको तुम साफ करोगे। और उधर लकी फूल के बैठी है क्योंकि उसका रंगोली बिगड़ गया, हमसे मैसेज आ रहे थे इसकी रंगोली बिगड़ गई, नहीं बिगड़ेगा हम संभाल के अब देख के चलेंगे। चलो जाओ ले आओ, अच्छा आओ जाओ। हमारे बनारस का सीन ये देखिए, चारों तरफ ये है। इस बार हम लोग दिवाली बनारस मना रहे हैं, तो देखिए कैसा लग रहा है। ये सामने वाले बिल्डिंग के दिए भूत गए हैं क्योंकि काफ़ी जो है हवा तेज है और हम लोग अभी जला रहे हैं और हमारे दिए बुझ रहे हैं और हम बार बार इसको पकड़ा दे रहे हैं, है ना नू? सब बुझ जा रहा है और बार बार हम लोग इसको फिर से जला रहे हैं दिए को। इतना सुंदर लग रहा है ना। तो भाई हमने दिए बहुत सारे जला लिए हैं छत पे और नीचे, और अभी हम लोग चल रहे हैं सामने उधर गेट पर। गेट पर अभी हमने दिए नहीं जलाए हैं तो गेट पे जलाएंगे। पहली बार यहाँ बनारस में हम दिवाली मना रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए
अगले साल सब करें हम लोग फिर गांव में मनाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बोर हो रहे हैं, हमारे कोई दोस्त वगैरह नहीं है, अनु के दोस्त नहीं है ना, इसीलिए अनु तो अभी गांव से आ रही है अपने दोस्तों से मिलकर और वहाँ पे दिए जलाकर, है ना अनु? तो दोस्तों हमने पूरे घर में दिए जला लिए हैं और अब चलते हैं गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो हम सभी लोग बैठ के पूजा अर्चना कर लेंगे, इसके बाद हमने जो पूड़ी और सब्जी बनाए हैं फिर हम लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन दीपावली के दिन रात में काजल बनाया जाता है, तो वो मैं अभी रख दी हूँ काजल बनने के लिए। उसके बाद सबको काजल जरूर से ज़रूर लगाया जाता है रात में, क्योंकि कहते हैं कि अगर काजल नहीं लगाएंगे तो अगला जन्म जो है छछुंदर का होगा, और सूरन की सब्जी, देसी सूरन की सब्जी नहीं खाएंगे तो अगला जन्म छछुंदर का होगा। अब पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन हाँ हमारी मान्यता है तो हम अपने धर्म में इसे मानते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। आपके यहाँ कुछ और भी अगर मान्यता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन हमारे यहाँ ये मान्यता है। और 4 बजे भोर में सूप पीट के घर का दलिद्र भगाते हैं। मिलते हैं, बाय।